एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में, एडुकेटर, मोटिवेटर एंड स्पिरिचुअल ब्लॉगर। तो आइए हम लोग आज जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण एडजेक्टिव्स। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता, उसके गुण, उसकी संख्या, उनके परिमाण, उनकी मात्रा बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सीता अच्छी लड़की है, यहाँ पर सीता के लिए अच्छी का प्रयोग हुआ है, अच्छी विशेषण है। मोहन मोटा लड़का है, मोहन के लिए जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वह है मोटा। इस तरह से मोटा, पतला, अमीर, अच्छा, गरीब, ऊंचा, ये सारे जो शब्द हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ये सारे विशेषण होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद अगर देखें तो मूलतः पांच होते हैं। एक होता है गुणवाचक, एक होता है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, सर्वनामिक वाचक विशेषण। गुणवाचक का मतलब होता है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, वो मोटा है, पतला है, छोटा है, उसका रंग कैसा है, उसका ये सारे चीज, उसके रस बोधक, उसके वो मीठा है, कड़वा है, वो स्थान बोधक में आता है, वो देसी है, विदेशी है, समय के हिसाब से अगर बात करें पुराना है, नया है, ताजा है, ठंडा है, गर्म है, ये जो सारे शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ये सब गुणवाचक में आता है। दूसरा अगर हम बात करें परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है कि वो कितना है, उसका जो मात्रा होता है, थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है, ये सारे हम लोग जो प्रयोग करते हैं ये सब परिमाणवाचक का विशेषण होते हैं। संख्यावाचक संज्ञा, संख्यावाचक जिस शब्द से हम लोगों को पता चलता है कि वो कितने हैं, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वो एक है, दो है, चार है, पांच है, इस तरह का हम लोग जो प्रयोग करते हैं कि जैसे मेरे पास चार कलम है, ये जो चार है ये क्या है, ये आपका संज्ञा है। एक होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण का हम लोग प्रयोग करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, बट हम लोग उसके लिए यह वह कब जो प्रयोग करते हैं ये सारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि जिस विशेषण में हम लोग सर्वनाम के शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे यह मेरी कलम है, यह किसकी किताब है, इस तरह के जो हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं ये सब सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। विशेषण का अगर हम बात करें तो विशेषण को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जैसे अगर हम बात करें लघु, तो उसका लघुत्तर, लघुत्तम, मधुर, मधुरतम, मधुतर, इस तरह के बहुत सारे जो भी होते हैं विशेषण, उसको हम लोग उसके तीन फॉर्म्स यानी कि तीन रूप होते हैं। विशेषण की जो रचना होती है वो चार प्रकार से होती है, या तो संज्ञा से होती है, या तो क्रिया से होती है, या तो सर्वनाम से होती है, या फिर अव्यय से होती है। अगर हम बात करें संज्ञा से कैसे होता है, संज्ञा जैसे कि धर्म से धार्मिक बनता है, ये संज्ञा से विशेषण बनने का उदाहरण है। समाज से सामाजिक बनता है, परिवार से पारिवारिक बनता है, इतिहास से ऐतिहासिक बनता है, चित्र से चैत्रिक बनता है, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ग से स्वर्गीय, सुख से सुखी, भूगोल से भौगोलिक, रंग से रंगीला, ये जो शब्द है ये संज्ञा से विशेषण में बदला गया है। सर्वनाम से भी बनता है, जैसे मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, वह का वैसा, जो का जैसा, कौन कैसा, यह का ऐसा, ये आपका सर्वनाम से विशेषण में बदला जाता है। एक होता है क्रिया से, क्रिया मतलब क्रिया से अगर हम विशेषण में बदले तो कैसे बदले, जैसे खेल, खेलना से खिलाड़ी, तैरना से तैराक, घटना से घटिया, लड़ना से लड़ाई, लुटना का लुटेरा, झगड़ना का झगड़ालू, बढ़ना का बढ़िया, बसना का बसेरा, ये इस तरह से हम लोग क्रिया से विशेषण बनाते हैं। अव्ययी जो होते हैं ऊपर, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, आगे का अगला, भीतर का भीतरी, ये कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा से सर्व विशेषण बनता है, सर्वनाम से विशेषण बनता है, क्रिया से विशेषण बनता है और अव्यय से विशेषण बनता है। तो आगे का जो मेरा वीडियो होगा वो क्रिया के ऊपर होगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को
जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले अन्य वीडियो की जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।